और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कैंट कैम आई होम कैम 360 डिग्री। सो इस इंडोर सिक्योरिटी कैमरा का कंप्लीट रिव्यू देखने वाले हैं। इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है इसमें। कैंट की तरफ से एक इंडोर सिक्योरिटी कैमरा बहुत ही बेहतर इन्होंने बनाया होगा, चेक करके मैं आपको यहाँ पर रिव्यू बताने वाला हूँ। तो हम इसको अनबॉक्स भी करेंगे और इसका रिव्यू देखेंगे, फीचर्स देखेंगे क्या कुछ है। एंड मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बनाया है। एक तो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, कम्प्लीटली अब बिल्ट इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वो भी देखते हैं हम कैसे काम करता है क्या कुछ। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो देखने में मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यूजुअली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मतलब उसका फिनिशिंग जो है वो इतना स्मूथ नहीं रहता है। तो वैसे में यहाँ पर कैंट ने कैसे इसको बनाया है वो हम ज़रूर देखेंगे। क्या ये वर्थ द प्राइस है, वेरी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपको मिल रहा है 2750 रुपीज़ में। अभी जाकर आप खरीदी करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कीजिए, लेटेस्ट अपडेटेड प्राइसिंग वहाँ पर मिलता रहेगा। कैंट की तरफ से है क्योंकि कैंट वेरी पॉपुलर ब्रांड है, तो यहाँ पर ये कैमरा भी बहुत ही क्वालिटी का होना चाहिए। तो वहीं हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, मैं बताऊंगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। इसमें ढेर सारे फीचर्स भी है, अनबॉक्स करते वक्त मैं बताते जाता हूँ और इसके बाद हम इसका कंप्लीट रिव्यू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा है। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले, वैसे लाइक और शेयर करके हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैंट कैम आई होम कैम 360 का अनबॉक्सिंग एज वेल एज रिव्यू। तो दोस्तों ये रहा कैंट का बॉक्स पैकेजिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ही मॉडल आपको दिख जाता है कि कैसा है। नेक्स्ट जेन सिक्योरिटी विद 360 डिग्री प्रोटेक्शन, जैसे कि मैंने कहा पहले वीडियो में। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है 2 मेगापिक्सल का फुल HD 1080p रेजोल्यूशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड ये एप्पल एज वेल एज एंड्रॉयड दोनों सपोर्ट करता है, इनका ऐप जो है दोनों में भी अवेलेबल है। एंड साइड बॉक्स में ढेर सारे यहाँ पर फीचर्स लिखा गया है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू, मोशन डिटेक्शन, एक्टिविटी जोन, सपोर्ट्स माइक्रो SD कार्ड अप टू 128 GB, नाइट विजन भी है, मतलब आप रात में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, नाइट विजन अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग है, 2-way कॉलिंग है, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग इन माइक्रो SD कार्ड जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि मैं वीडियो में बता रहा था इवेंट बेस्ड क्लाउड रिकॉर्डिंग, जैसे ही मूवमेंट मोशन डिटेक्ट होता है ऑटोमेटिकली क्लाउड बेस्ड रिकॉर्डिंग हो जाता है एंड आप कहीं से भी इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही ऑटोमेटिक प्राइवेसी मोड है, मल्टी यूजर एंड मल्टी कैमरा सपोर्ट है, वर्क्स विद एलेक्सा विच इज़ रियली गुड। तो होम ऑटोमेशन अगर आपने कर रखा है अपने घर में तो इजिली वर्क्स विद एलेक्सा। वाईफाई 2.4 GHz ये तो सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि ये IP बेस्ड कैमरा है। एंड यहाँ पर बैक साइड ऑफ द बॉक्स जो प्राइसिंग डिटेल है, बाकी सारे पैकेज कंटेंट्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्राउडली मेड इन इंडिया। कैंट कैम ऐप डाउनलोड करने के लिए QR कोड है, यहाँ से आप इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे यूज़र मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोस भी है, उसका ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। चलिए अभी हम इसको खोलते हैं। सो सबसे पहले खोलते ही आपको यहाँ पर दिख जाता है कैम आई। सो ये रहा कैमरा, देखिए ऊपर स्टिकर लगा दिया है इन्होंने, फॉर सपोर्ट इंस्टॉलेशन सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे 9 AM to 6 PM अवेलेबल। इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर इन्होंने कुछ एक्सेसरी दिया है, तो सबसे पहला विच इज़ माइक्रो USB, एस्थेटिक पर्पस देखिए पर्पल कलर है क्योंकि IP बेस्ड कैमरा है। एंड ये जो वायर है थिकनेस इसका बढ़िया है। एंड यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए स्क्रू भी दिया है विच इज़ रियली गुड। इसको आप बेस पर रख सकते हैं, टेबल टॉप पर रख सकते हैं, लॉक सिस्टम है तो इसको आसानी से ओपन करके ऐसे स्क्रू लगा देना है, यहाँ पर दिया गया है, इससे आप इसको फिट कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली रियली नाइस कि इन्होंने सब प्रोवाइड किया है। सो दिस इज़ दी पावर अडाप्टर फॉर कैंट कैम है, इसको जाके हम एंड यहाँ से कैमरा को लगाना है राइट। तो अभी वो सारा चीज़ हम करेंगे ऑब्वियसली। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट बॉक्स में है वारंटी कार्ड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर है प्रोडक्ट कोड है एंड सीरियल नंबर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे चीज़ आपको यहाँ पर बॉक्स में मिल जाता है, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट है तो इंडियंस के लिए क्या कुछ चाहिए कैमरा यूज़ करते वक्त, इन्होंने सोच कर ही ये सारे चीज़ यहाँ पर दिया है विच इज़ रियली नाइस थम्स अप। तो ये रहा कैमरा itself एंड यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंट कैम है, माइक्रोफोन है, बैक साइड ऑफ द प्रोडक्ट स्पीकर है, 2-way स्पीकर, आप बात भी कर सकते हैं माइक्रोफोन के ज़रिए, और जहाँ कहीं से भी आप ऑपरेट कर रहे हो अपने मोबाइल में वहाँ से बात करेंगे तो यहाँ स्पीकर में सुनाई देगा। तो माइक्रो USB यहाँ पर जाता है बैक साइड जो कि बेस प्लेट है ना, तो उस पर लगाया गया है। एंड बॉटम ऑफ द कैमरा इट्सेल्फ जैसे कि आप देख सकते हैं रीसेट बटन यहाँ पर है,
विच कम्स इन हैंडी जब कभी भी आप मिस कर जाते हैं सेटिंग्स करना, तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। माइक्रो एसडी कार्ड भी इजीली आप लगा सकते हैं। हाँ, अगर किसी को पता चल जाता है कि यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड है, ये निकाल सकते हैं, वैसे कर भी सकते हैं, यू नेवर नो। लेकिन आप परमानेंटली बेस को फिक्स कर दीजिएगा, जहाँ कहीं भी आप रखना चाहते हैं इस कैमरा को, तो वहाँ आप इस टूल्स के ज़रिए फिक्स कर सकते हैं। ये रबरी फिनिश है ग्रिप के लिए, तो ऐसे अच्छा ग्रिप पकड़ेगा। अच्छे क्वालिटी का ABS प्लास्टिक इन्होंने प्रोडक्ट में लिया है, तो बहुत ही अच्छा है। इसका बिल्ड क्वालिटी मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए फिट एंड फिनिश जो मैं बात कर रहा था, एडजेस स्पेशली बहुत ही सॉफ्ट एंड प्रीमियम है। तो 2750 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट मैं समझता हूँ। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे सेटअप करें। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ कनेक्ट करने के लिए आपको ये केबल लेना पड़ेगा, जो कि USB प्रोवाइडेड है इनसाइड द बॉक्स, जैसे कि हमने देखा। और ये है पावर ब्रिक, तो ये एक तो पावर ब्रिक ऐसे लगा के आप USB को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप वहाँ कैमरा को कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ऐसे USB वाला अडाप्टर है, बिल्ट इन एक्सटेंशन या फिर कोई भी प्लग, तो ऐसे आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो अभी हम जाके डायरेक्ट इसको प्लग करेंगे, और यहाँ से पीछे जो माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है यहाँ पर लगाना है आपको। सो लगाते ही रेड ब्लिंक होता है लाइट, एंड आपको ऐसे टेबल पर रखना है। देखिए कितना लाउड स्पीकर है, तो वो ऑटोमेटिकली रोटेट करेगा 360 डिग्री। ऐप को इंस्टॉल करना है, या फिर पहले आप ऐप को इंस्टॉल करके बाद में इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। अभी हमने इसको ऑन करके रखा है, अभी जाके हम ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ हम प्ले स्टोर में टाइप करेंगे Kent Cam i करके आपको टाइप करना है ऐसा। तो सबसे पहला जो ऐप आता है Kent Cam i, तो इसको आपको इंस्टॉल करना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैमरा ओपन करके QR कोड यहाँ से जो बॉक्स पर दिया है साइड में, वहाँ पर स्कैन करके डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक बार डाउनलोड होने से हम इसको ओपन करेंगे अभी। तो हाय देयर करके वेलकम नोट दिया है, तो लॉगिन कर सकते हैं अपने पास अकाउंट है तो। फिलहाल अकाउंट नहीं है तो साइन अप करना पड़ेगा, तो साइन अप पर टैप करेंगे। यहाँ से नाम, ईमेल और पासवर्ड सेट करके अपना मोबाइल नंबर देकर आप लॉगिन कीजिए। वही मैं करके अभी आता हूँ। तो ऐड योर फर्स्ट डिवाइस करके है, तो टैप करेंगे इसके ऊपर, एंड यहाँ से आपको बताएगा होम कैम। टैप करने के बाद QR कोड को स्कैन करना है, जो कि कैमरा के पीछे दिया गया है। तो ओके करके हम टैप करके यहाँ अलाउ करेंगे कैमरा लेने के लिए। तो यहाँ से हम QR कोड को ऐसे स्कैन करेंगे, जस्ट ऐसे होल्ड करना है, एक सेकेंड लगेगा बस। और यहाँ पर कैमरा नेम देंगे, यहाँ पर सजेस्टेड कैमरा नेम्स भी है ऑलरेडी, हम इसको ऑफिस करके देंगे। देखिए यहाँ Kent से मैसेज भी आ गया रजिस्टर करने के लिए। तो नेक्स्ट पर अभी हम टैप करेंगे। लोकेशन एक्सेस पूछ रहा है, तो अलाउ ओनली वाइल यूजिंग ऐप करके आपको देना है, एंड यहाँ से वाईफाई को कनेक्ट करना है। ओके, तो अपने पास मोबाइल हॉटस्पॉट है तो वहाँ से कोई भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर वाईफाई है घर में इंटरनेट, या फिर ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन है तो उसको कनेक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ वाईफाई को कनेक्ट करूँगा। तो एक बार वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद ये स्टेप बताता है कि यहाँ पर पीछे जो रीसेट बटन दिया गया है इसको डबल टैप करना है। देखिए प्लीज़ एंटर कोड करके बता रहा है पेयर करने के लिए, तो पर्पल लाइट फ्लैश होना चाहिए यहाँ पर जो है, वो आपको कैमरा में वाइट दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर पर्पल लाइट फ्लैश हो रहा है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट को टैप करेंगे, और ये जो QR कोड है इस कैमरा को ऐसे रखना है। तो सक्सेसफुली करके मैसेज आएगा, एंड आपको थोड़ा वेट करना है नेक्स्ट पर टैप करके। तो इसके बाद यहाँ से वाईफाई कनेक्शन का जो है वो ग्रीन टिक दिखा रहा है, उसके बाद फर्मवेयर अपडेट है, मतलब इसके रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आता है तो अपने आप अपडेट कर लेगा अभी। तो ये एक बार कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट ऐसे चाहिए, बाद में आप कैमरा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल से, तो इसको इंटरनेट एक्सेस ज़रूर लगता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इंस्टॉलिंग फर्मवेयर, उसके बाद एप्लीकेशन सेटिंग्स जो है वो अपडेट हो रहा है, कुछ देर लगेगा, सो हैव टू बी पेशेंट। सेटअप कंप्लीटेड करके यहाँ से मैसेज भी आ गया अभी। सो फाइनली वी आर ऑल सेट। तो एक बार यहाँ टैप करने से अलाउ कर दीजिए कनेक्शन को, बस आपको ये देखना है कि इसको इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए तो जल्दी से वर्क हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सो इसने अभी कनेक्ट कर लिया है, तो अभी मैं यहाँ पर ऐसे रख के आपको बताऊँगा कि कैसे आप पैन एंड टिल्ट कर सकते हैं, कैसा स्मूथ फंक्शन है आप खुद देख सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी भी। तो यहाँ पर डेट टाइम और ये सारा चीज़ है, फुल स्क्रीन मोड जा सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से भी आप स्वाइप कर सकते हैं एनी डायरेक्शन, जूम इन एंड आउट करने के लिए। ये आप जो देख रहे हैं थोड़ा स्वाइप करेंगे
तो ये जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है यहाँ। तो यहाँ पर स्पीक करके है, अभी लिसन भी है, तो लिसन को ऑन करेंगे। यस, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में है तो ऑडियो रिवर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा नॉइस। एंड यहाँ से स्पीक, हेलो हेलो, कैंट कैम आई माइक टेस्टिंग। सो आप ऐसे बात भी कर सकते हैं, यहाँ से फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो 1080p रेजोल्यूशन है, बैक लेके थोड़ा कुछ और सेटिंग्स हम देखेंगे। नाइट विजन है तो ऑटोमेटिक ऑफ एंड ऑन सेटिंग है नाइट विजन के लिए। एंड वीडियो क्वालिटी यहाँ से सेलेक्ट करना है, अभी फ़िलहाल जस्ट 360p रेजोल्यूशन है और यहाँ पर कुछ अच्छा ही दिख रहा है इस रेजोल्यूशन में। एंड यहाँ जाकर हम 1080p को स्विच करेंगे, तो अभी वीडियो क्वालिटी जो है 1080p में हुआ है। फुल स्क्रीन मोड में हम देखते हैं, एज यू कैन सी पिंच एंड जूम भी अवेलेबल है। लिसन, स्पीक, टेक फोटो, पिक्चर लेते हैं हम एक। सो यहाँ पर पिक्चर सेव हुआ है, डायरेक्टली गैलरी पर भी सेव होता है। 360 डिग्री स्कैन है, एक बार टैप करने से 360 स्कैन भी करेगा ऑटोमेटिकली। आप सोचिए कि ऑफिस में है, कहीं पर है, तो आप जल्दी से देखना चाहते हैं स्कैन करके, तो ईजिली आप एक बार 360 डिग्री पर टैप करेंगे तो टोटल स्कैन करेगा। तो दोस्तों, दूसरा चीज़ मुझे अच्छा लगा इसमें कि इंटेलिजेंटली जब ट्रैक करता है तो ऑटोमेटिकली सेम पोजीशन पर आके रुकेगा। मतलब इंटेलिजेंटली कोई पर्सन मूवमेंट है तो ट्रैक करेगा एंड आपको नोटिफाई भी करेगा, एंड उसके बाद जो है जो आपने पहले पोजीशन पर रखा था, प्रीवियस पोजीशन, वहीं पर आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है इस कैमरा का। तो यहाँ से मेनू एक्सेस करेंगे तो प्ले बैक है, तो मोबाइल में मेमोरी कार्ड में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पर है, तो ऑलरेडी क्लाउड बेस्ड रिकॉर्डिंग यहाँ पर ले लिया है। देखिए कितना स्मूथ फंक्शन है, ह्यूमन डिटेक्शन आता है तो इंस्टेंटली वो डिटेक्ट करके प्लेबैक करेगा। बुकमार्क कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टेंटली। एंड जो स्पीकर में रिकॉर्ड हुआ है, अगर चोर ने कुछ बात किया है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। यस, हिट दैट लाइक बटन कंप्लीट फीचर सेट देने के लिए। सो मेनू में और डिसेबल अलर्ट्स है, एनेबल प्राइवेसी मोड है, तो प्राइवेसी मोड एनेबल करने से यहाँ देखिए कोई भी ऑन करके देखता है तो उनको दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ से आप डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आप दिखाना नहीं चाहते हैं किसी को तो प्राइवेसी मोड रख सकते हैं। वैसे ही एनेबल सायरन है, तो सो कोई मूवमेंट देखता है तो सायरन भी बजेगा। अरे यार मैं चोर नहीं, अरे बंद करो इसको। सो यहाँ से अलर्ट है, तो अलर्ट यहाँ से देख सकते हैं आप। ढेर सारे सेटिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, प्राइवेसी मोड, अलर्ट सेटिंग, कैमरा शेयरिंग है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं कैमरा को। नोटिफिकेशन कैसे चाहिए वो ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड कैमरा सेटिंग्स जो है यहाँ पर है, टू वे कॉलिंग ऑफ एंड ऑन है, लाइव स्ट्रीमिंग है, स्पीकर वॉल्यूम कितना जोर चाहिए वो भी आप रख सकते हैं, लो मीडियम है। बहुत ही पावरफुल साउंड है इसका आउटपुट जो है। एंड यहाँ से रिकॉर्डिंग क्वालिटी सेट करना है, बाय डिफॉल्ट 720p लेगा, आप जाके इसको 1080p रखिए तो हाईएस्ट लेवल रिकॉर्डिंग देगा आपको। एंड नाइट विजन जो है ऑटोमेटिक, कैमरा स्टेटस लाइट भी है, तो क्या कुछ लाइट आने से क्या बताता है ये भी यहाँ पर दिया गया है, विच इज़ नाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने सारा चीज़ जो है वो इंक्लूड किया है, ऐसे कोई कंजूसी नहीं किया है। तो एनेबल व्हेन डार्क, व्हेन डस्क, नाइट विजन, सेंसिटिविटी, टाइम स्टैम्प, वाटरमार्क नहीं चाहिए तो वो हटा सकते हैं, इन्वर्ट मिरर कर सकते हैं इमेज को, टाइम जोन सिंक कर सकते हैं, डिफॉल्ट पोजिशन जो है वो भी आप सेट करके रख सकते हैं कि जब कभी भी कैमरा ऑन करते हैं तो डिफॉल्ट इसी पोजिशन पर ऑन होना है, वो भी एक बहुत ही अच्छा है। एंड रिकॉर्ड ऑन मेमोरी कार्ड ऑप्शन ऑन है, क्लाउड भी ऑन है, तो क्लाउड को टैप करने से एडिशनल पोस्ट इवेंट, मतलब कुछ मूवमेंट होता है तो उसके बाद का एक मिनट भी रिकॉर्ड होगा। एंड इवेंट टाइप कैसे चाहिए, मोशन डिटेक्ट होने से चाहिए या कैसे चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। एंड रिकॉर्ड ऑन क्लाउड जो है वो आप हमेशा ऑन करके रखिए, इनके प्लान्स है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड देखिए एलेक्सा सेटअप गाइड भी है, पावर एंड रीसेट कैमरा, वाईफाई सेटिंग्स को कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड है, एंड ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है, विच इज़ ऑसम। ओके दोस्तों, तो कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की है आफ्टर टेस्टिंग दिस कैमरा फॉर ए वाइल। तो एक चीज़ जो है, जैसे हम मूवमेंट करते हैं तो एक प्री डिफाइंड मूवमेंट होता है, मतलब एक बार जस्ट आप टैप कर दिया है तो वो प्री डिफाइंड वहाँ प्रोग्राम कितना उन्होंने लिखा है, इतना एंगल पर चेंज होना है तो उतना ही रोटेशन होगा, तो जितना आपको चाहिए वैसे रोटेट नहीं होता है। देखिए एक बार टैप करने से वो प्री डिटरमिंड एक पोजिशन एंगल पर रोटेट होता है, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं प्रेस करके होल्ड करता हूँ तो भी स्मूथ मूवमेंट नहीं आता है। और दूसरा चीज़ जो है,
अगर कैंट ए वीडियो फुल देख रहा है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा उनको थोड़ा प्रोग्रामिंग में अगर वो पॉलिश कर देते हैं तो एक सबसे बेस्ट कैमरा अवेलेबल मार्केट में होगा, क्योंकि ये एक रोटेशन है। और दूसरा चीज़ जो है वो ह्यूमन डिटेक्शन का, ये जो मोशन डिटेक्शन इंटेलिजेंट ट्रैकिंग है वो और फ्लूइडली और फास्ट तेज़ी से काम करना चाहिए इसको, तो तब जाके वो अच्छी तरह से ट्रैक होगा। जैसे ही मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मूव होता है इंस्टेंटली, तो थोड़ा वक्त लेता है वो अपने आप डिसाइड करने के लिए, हाँ यहाँ से पर्सन यहाँ मूवमेंट हुआ है। तो ये एक ह्यूमन ट्रैकिंग जो है वो थोड़ा पॉलिश करके बेटर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सेटिंग्स में सारा चीज़ जो है वो ऑन कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अलर्ट सेटिंग्स में मोशन डिटेक्शन टैप करेंगे तो एक्टिविटी जोन सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने जोन में ट्रैक होना है, कुछ मोशन डिटेक्ट होता है तो डेफिनेटली नोटिफाई करता है। ये जो नोटिफाई करना चीज़ है डिटेक्ट होने से वो बहुत ही शार्प है, ये बहुत ही सेंसिटिव भी है, वो सेंसिटिविटी भी आप चेंज कर सकते हैं एक्चुअली, वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जो है मोशन ट्रैकिंग का है इसमें थोड़ा दिक्कत मुझे लग रहा है। ह्यूमन डिटेक्शन स्पेशली जब कभी भी मूवमेंट होता है तो इंस्टेंटली वो रिकॉग्नाइज होके मूव होना चाहिए कैमरा को, एंड स्पेशली जो अप एंड डाउन का एंगल रहता है मतलब जो टिल्ट होता है वो इजीली एंड फास्ट टिल्ट बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी एक मोशन डिटेक्ट होता है तो ईजिली वो टिल्ट करना चाहिए पर्सन का फेस दिखाने के लिए रिकॉर्डिंग में, वो अप एंड डाउन मतलब कि जो टिल्ट एंगल रहता है मूव होना चाहिए, तो वैसा मूव नहीं हो रहा है स्पेशली मेरे प्रोडक्ट यूनिट में, क्योंकि यहाँ पर जो है इजीली रोटेट 360 डिग्री का दिया है तो ये मूवमेंट जो है वो हो जाता है, लेकिन ये अप एंड डाउन का इसका मूवमेंट जो है वो नहीं हो रहा है ह्यूमन डिटेक्शन होने से। एंड इसका पिक्चर क्वालिटी सबसे बेटर है ऑल्सो, जो कॉन्ट्रास्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा है बताया था एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, वो भी टेस्ट करके देखा मैं, इसमें थोड़ा बेटर इमेज क्वालिटी मुझे लगा। इवन नाइट विजन भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है और फुल HD रिकॉर्डिंग है, स्ट्रीमिंग दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी सारा चीज़ जो है वो टू वे कॉलिंग हो या फिर जो कुछ भी हो, सारा सेटिंग्स हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, तो हाईली रेकमेंडेड प्रोडक्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इफ यस हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले, वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, आंसर करने के लिए मैं ट्राई जरूर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।